दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। दोस्तों बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत के बाद अभी भी उनका पूरा परिवार सदमे में है। इस बीच 6 मार्च यानी कल उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर का जन्मदिन था। जाह्नवी कपूर 21 साल की हो गई है। श्रीदेवी हर साल अपनी बेटियों का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाती थी। इस साल भी श्रीदेवी ने करीब एक महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। वो जाह्नवी को बर्थडे सरप्राइज देना चाहती थी। यही नहीं, श्रीदेवी जब दुबई में थी तो वो जाह्नवी कपूर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने वाली थी। बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के बाद उनका शॉपिंग का प्लान था, इसलिए वो दुबई में रुकी थी। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका और बेटी के जन्मदिन से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे तो कपूर खानदान श्रीदेवी के निधन के बाद कोई सेलिब्रेशन करना नहीं चाहता, लेकिन श्रीदेवी की इच्छा थी कि जाह्नवी कपूर का 21वां बर्थडे धूमधाम से मनाया जाए। इस वजह से उनके पति बोनी कपूर ने फैसला किया कि जाह्नवी के बर्थडे पर एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी जाएगी। बर्थडे के दिन एक डिनर का भी आयोजन किया गया जिसमें केवल परिवार के लोग शामिल थे। बता दें कि श्रीदेवी की मौत दुबई के होटल में हुई। उस वक्त जाह्नवी अपने डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी की मौत के बाद से शूटिंग भी ठप पड़ी हुई है। उनका दिल इस कदर टूट गया है कि काम करने तक इच्छा नहीं हो रही। वाकई में इस उम्र में जाह्नवी और खुशी को माँ की सख्त जरूरत थी। वैसे श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर अपनी चचेरी बहनों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।